पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना करवाने वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ झूठ की मशीन है, वो कुछ भी बयान देते रहते हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिरकत की। कमलनाथ ने महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के लोगों को रोजगार में 27% तक का आरक्षण देंगे। अब कमलनाथ के इन बयानों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झूठ बोलने में क्या जाता है, कमलनाथ तो झूठ बोलने की मशीन है। ये झूठ की मशीन कभी भी कुछ भी बोल देती है। इतना ही नहीं, वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि पीछे से झूठ दिग्विजय सिंह फीड करते हैं और कमलनाथ सामने आकर बोलते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह झूठ की मशीन है। झूठ बोलने में क्या जाता है, झूठ बोलने में क्या जाता है। ये झूठ की मशीनें हैं जो कभी भी कुछ भी झूठ उगलते रहते हैं और पीछे से झूठ जो है दिग्विजय सिंह की फीड करते रहते हैं। तो ये तो झूठ की मशीन है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।